Very warm greetings to all. Let's start with the LibreCAD tutorial 5. So here what we are going to see is something related to what we have done in the previous tutorial, jahan pe hum logon ne blocks pe kaam kiya tha. Usse pehle humne layers kaise leni hai, drawings kaise banani hai, front angle, top view, front view, side view, ye sari cheeze humne dekhi thi wahan pe ki kaise humne banana hai. तो ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं. अब हम ब्लॉक पे थोड़ा सा और काम करते हैं. तो बेसिकली जो आप मैंने फ़ाइल खोली है यहाँ पे, तो वो फ़ाइल एक्चुअली ऐसी नहीं बनेगी. मैंने कुछ इसमें सेटिंग्स करी हैं, जो सेटिंग्स के कारण जब मैं फ़ाइल खोल रहा हूँ तो वो फ़ाइल मेरे को बेसिकली इस लेआउट के साथ आएंगी. तो ऑटोमेटिकली जब मैं न्यू फाइल खोलूँगा तो वो मेरी ये लेआउट के साथ खुलेगी. और ये लेआउट क्या किया है, ये एक ब्लॉक हमारे पास बना हुआ था जो कि एज अ टेम्पलेट सेव किया हुआ था, यानी एज अ DXF फाइल ही नॉर्मल फाइल की तरह सेव किया हुआ था. तो वहाँ से मैंने कुछ सेटिंग करके इसको पाथ देकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसा कर दिया कि जब भी कोई न्यू फाइल खुलेगी तो ये ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा. और इसी के साथ इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेयर्स होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी. और जब ये एज अ फाइल आएगा तो ये ब्लॉक नहीं रहेगा, तब ये इंडिविजुअल लाइन्स बन जाएंगी. लेकिन हाँ, जब ये एज अ इंसर्ट एज अ ब्लॉक करेंगे, जो हमने प्रीवियसली मैंने बताया भी था कि इंसर्ट एज अ ब्लॉक करोगे तो फिर एज अ ब्लॉक आएगा. बट हम इसे पाथ देके फाइल से ले रहे हैं तो ये ब्लॉक की तरह नहीं आएगा. और यहाँ पर इसकी सारी लेयर्स आ जाएंगी. मैं चाहूँ तो कोई हटाना चाहता हूँ तो मैं उन लेयर्स को यहाँ से हटा सकता हूँ. ये सारी चीज़ें जो भी मेरे को उस पर वर्कआउट करना है, तो ये बेसिकली हमारा तैयार हो जाता है कि जब भी हमने कोई काम स्टार्ट करना है कि भाई वी वॉन्ट टू स्टार्ट ड्रॉइंग ओवर देयर, तो हम उस ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहते हैं कि वो वर्क करने से पहले हमारे पास पूरा उसका रेडी हो काम. तो ये हमारा पूरा रेडी आ जाता है कि यहाँ से अब हमारी ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसको कैसे करना है, दैट आई विल टेल यू. तो यहाँ पर हम ड्रॉ में जाते हैं और सॉरी, हम यहाँ से एडिट में जाते हैं और एडिट में जाके फिर हम यहाँ से एप्लीकेशन प्रेफरेंसेज लेते हैं. एप्लीकेशन प्रेफरेंसेज लेने के बाद हमें यहाँ पर जो है एक पाथ का ऑप्शन आएगा. हम इस पाथ के ऑप्शन को ले लेंगे. तो जैसे हमने इस पाथ के ऑप्शन को लिया तो यहाँ पर ये मेरे से लोकेशन पूछेगा. तो ये लोकेशन मैं दे दूंगा जहाँ पे भी मैंने टेम्पलेट रखा हुआ है अपना, वहाँ का मैं लोकेशन दे दूंगा उसको. यहाँ पे मेरा टेम्पलेट जो बना के मैंने रखा है, चाहे एज अ ब्लॉक बनाया हुआ या फिर मैं कई मेरे को वो ओपन सोर्स भी मिल जाते हैं. जैसे ये जो पीछे मैंने यूज़ किया, ये LibreCAD में ही एक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था, ये वही मैंने जो है टेम्पलेट फाइल यूज़ कर ली है जस्ट टू शो कि कैसे क्या है. या फिर अगर हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है तो उसे हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक बना के ब्लॉक रख के उसकी लोकेशन दे सकते हैं. उस लोकेशन से फिर हम इस फाइल को सीधा पिक कर लेंगे. सिमिलरली ऊपर भी मैंने एक डायमेंशन, ये एक पाथ दिया है. ये जो पाथ दिया है ऊपर, ये किस चीज़ का है, ये है और भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जो हम ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं. कई बार नट बोल्ट के ब्लॉक्स होते हैं, कई बार हमारे अगर हम आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स बना रहे हैं तो उसमें हमारे कमरों के अंदर टेबल्स लग रहे हैं, बेड लग रहे हैं, सिंक लग रही है, वॉश बेसिन लग रहे हैं, इन सब के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं. तो वो ब्लॉक्स कई बार हमें ओपन सोर्स ब्लॉक्स भी हैं, LibreCAD के भी ब्लॉक्स हैं, वो भी हम ले सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. और कुछ हमने खुद बनाए होते हैं अपने हिसाब से, उनको ब्लॉक्स बना बना के रखा होता है. तो उनको हम एक लोकेशन में रख के उस लोकेशन को हम क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन को हम यहाँ पर इस पाथ में दे सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली वो मेरे यहाँ पे जो मैं टूल होगा जो मेरे को ब्राउज करेगा लाइब्रेरी के लिए, वहाँ पर मुझे जो है ऑटोमेटिकली वो सारे ब्लॉक्स दिखने लग जाएंगे और वहाँ से मैं ब्लॉक्स इंसर्ट कर पाऊंगा. तो ये दो तरीके हमने ध्यान रखने हैं. ये सेटिंग्स अच्छी रहती हैं जो आप ड्राइंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. तो इस टाइप से मैंने जो है पहले एक फोल्डर बना लिया, उसमें अपने सारे ब्लॉक्स जितने भी थे वो सारे रख लिए और उसको एक ड्राइव पे सेट करके रख लिया किसी जगह पे लोकेशन पे. और वो लोकेशन मैंने यहाँ पर दे दी है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो सारे के सारे फोल्डर्स मेरे को यहाँ शो होने शुरू हो जाते हैं. और ठीक उसी तरह से मेरे को यहाँ पर नीचे टेम्पलेट का एक मैंने लोकेशन बना लिया, टेम्पलेट मेरा आने लग जाता है. तो इसको मैं ओके कर दूंगा. एक बार करने के बाद फिर जब मैं इसे क्लोज करके दोबारा से ऑन करूंगा, तो जब मैं ऑन करूंगा अगर कोई न्यू फाइल भी मैं यहाँ खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मुझे न्यू फाइल खोलने वक्त न्यू फ्रॉम टेम्पलेट खोलने की जरूरत नहीं है. मैं जैसे न्यू को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने जो है एक न्यू फाइल जब खुलेगी तो उसमें टेम्पलेट भी अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा. यू कैन सी दैट ये टेम्पलेट अपने आप यहाँ पर आ गया. तो दिस इज वॉट इज द एडवांटेज ऑफ दिस. कई बार हम एक जैसे टेम्पलेट नहीं यूज़ करते हैं, अलग स्टैंडर्ड्स के लिए अलग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस समय हम जो मैंने पहले आपको बताया था कि फीचर है हमारा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, हम वो भी ले सकते हैं कि अलग अलग हमने टेम्पलेट दिए हैं तो हम उस टेम्पलेट से वो वाला टेम्पलेट ले सकते हैं, उनके नाम दे सकते हैं और वहाँ से हम वो टेम्पलेट भी ले सकते हैं. तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास. अगर हम एक जैसा ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी LibreCAD को ऐसे सेट कर सकते हैं कि जब भी हम खोलेंगे तो टेम्पलेट के साथ हमें रेडी मिल जाएगा एंड देन वी कैन डू द ड्राॅइंग्स इन दिस. तो यहाँ तक तो चलो हमारा टेम्पलेट का स्टार्टिंग वर्क हमारा जो है
वो हो जाता है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने कुछ ब्लॉक्स लगाने हैं, कुछ ड्राइंग्स बनानी है, तो मैं यहाँ से सर्कल लेके कोई भी मेरे को ड्राइंग बनानी है वो मैं यहाँ पे ड्राइंग्स बना सकता हूँ, कोई इतना वो नहीं है। अगर कोई मेरे को यहाँ ब्लॉक इंसर्ट करना है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंसर्ट ब्लॉक करने का क्या तरीका होता है, पर अभी यहाँ कोई ब्लॉक मेरे यहाँ पर तो कोई ब्लॉक नहीं है, क्योंकि कोई मैंने यहाँ ब्लॉक बना के यहाँ अभी शो नहीं किया तो वो यहाँ नहीं शो होगा। पर वो ब्लॉक्स कहाँ से लाऊंगा मैं इस एरिया में जो ग्रे एरिया है यहाँ पे, या राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक लिस्ट आ जाएगी, तो सॉरी ये लाइब्रेरी ब्राउजर आ जाएगा। लाइब्रेरी ब्राउजर को मैं क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं लाइब्रेरी ब्राउजर को क्लिक करूंगा तो ये सारे टूल्स मेरे पास खुल जाएंगे। अब ये वो एरिया वो फाइल्स हैं जो मैंने अपने लोकेशन में डाली हुई हैं, जिसका पाथ मैंने यहाँ पर दिया था, तो वो सारी फाइल्स मेरे यहाँ शो होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं कुछ देखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को यहाँ से ये पूरे आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी हैं ये मेरे को सारे यहाँ मिल जाते हैं। अब इसमें से मैं कोई चीज़ यहाँ लगाना चाहता हूँ तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सिंक लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से सिंक उठाया, उसको इंसर्ट किया, वो सिंक मेरा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर एक स्केल फैक्टर भी दे सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ, छोटा बनाना चाहता हूँ, 3 टाइम्स करना चाहता हूँ तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये मेरा पूरा एक सिंक यहाँ पर लग जाता है, जहाँ जहाँ मैं इसको लगाना चाहता हूँ तो मेरा ये पूरा एक सिंक यहाँ पर लग गया। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो सेम एज अ ब्लॉक हम काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडिट करेंगे तो ये मेरे पास जो है एडिट जो है न्यू विंडो में ये खुल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इसको जो है कर सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए इसको ले लिया और मैंने यहाँ से एडिट किया तो ये मेरे पास यहाँ पर ये खुल जाएगा, और यहाँ से फिर मैं जो है इसमें एडिशन जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, तो फिर यहाँ से क्लोज कर दूंगा ये बंद हो जाएगा लाइक दैट। अब हम इसमें ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, फिर ड्राइंग्स बना सकते हैं पूरा लोकेशन तैयार करके। ये सारे ब्लॉक्स मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जिस पे भी मैंने काम किया होगा, ये वाले ब्लॉक्स हैं मेरे पास, ये अलग अलग चीज़ों के जो अवेलेबल मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो ब्लॉक्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कलेक्शंस हो जाती हैं, कुछ कलेक्शंस को कैसे यहाँ पर इम्प्लाई करना है, कैसे वहाँ से लेके यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए एक लोकेशन सेट कर लेते हैं तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर द सेटअप कि कैसे है, हाउ टू स्टार्ट विद द रूटीन ऑफ दिस, कि हम सबसे पहले अपना ये फाइल आ जाए, उसके बाद हम इसमें ब्लॉक्स और ड्राइंग्स इंसर्ट करें और हमारा जो है काम पूरा होता जाए। उसमें फिर डिफरेंट टूल्स यूज़ करें, वो टूल्स हम आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कौन कौन से हमारे डिफरेंट टूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी हम देखते रहेंगे। तो इस टाइप से हमारा जो है ड्राइंग वर्क स्टार्ट हो जाता है और वी कैन मेक द ड्राइंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद हम लेआउट तो देख ही चुके हैं, अगर हम यहाँ से लेआउट पे जाते हैं तो इसका जो प्रिंट आउट लेआउट है जो वो मेरे पास यहाँ आ जाता है पूरा का पूरा। तो इसका मैं पेज सेट कर सकता हूँ, जो भी मैंने पेज सेट करना है उस पेज सेट के हिसाब से मैं इसका पेज सेट कर सकता हूँ, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन टेक आउट द लेआउट ऑफ द, वो भी हम आगे देखेंगे पेज सेटिंग्स कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि हम पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं, लेआउट में रखना चाहते हैं, लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, तो हम उसमें रख सकते हैं। लैंडस्केप ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो है वो लैंडस्केप आ जाएगा। तो इस टाइप से हम जो हैं इसके व्यूज़ जो हैं वो सारे सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट द व्यूज़ ऑफ दिस। तो यहाँ से ये जो है हमारा आ जाएगा, आगे हम उसको बनाएंगे, बना के हम उसमें देखेंगे कि कैसे पूरी एक फाइनल ड्राइंग बनाई जाती है वो पूरी बना के। अब तो काफ़ी हद तक वैसे व्यूज़ क्लियर हो रहे हैं कि कैसे हम फ्रंट व्यू टाइप की साइड व्यू भी बना सकते हैं, इसमें ब्लॉक्स भी ला सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो अब हमारे को जो है एक लेआउट का पता लग जाता है कि कैसे हमारा स्टार्ट हो सकती है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे सेशन। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पे मैं और आपको कुछ चीज़ के बारे में और बता दूंगा और टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, कुछ न्यू ड्राइंग्स ले लेंगे उस पर वर्कआउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लर्न मच ओवर हेयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।